मतगणना के दौरान स्ट्रांग रूम पहुंचे राष्ट्रीय दलों के नेताओं से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। दोनों ही दलों से जुड़े स्थानीय नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे किए। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है का नारा छत्तीसगढ़ में फलीभूत होने जा रहा है। स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन की इस लाइव प्रसारण में। यहाँ मतगणना स्थल पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, लगातार रुझान आते जा रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बढ़त पे है। इस वक्त हमारे साथ है वार्ड पार्षद और कांग्रेस की कुशल नेत्री सुभद्रा सिंह। जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उनको देखकर क्या कयास लगाती हैं आप? देखिए, अभी तो चौथा और पांचवा राउंड चल रहा है। निश्चित तौर पर आगे हमारी बढ़त रहेगी। भिलाईनगर से हम बढ़त में हैं, हम पाटन सीट में भी बढ़त में हैं। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी वहाँ से हैं और मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि 14 राउंड कहीं पे 20 राउंड 25 राउंड ऐसे बचे हुए हैं, तो अभी से इतने जल्दी हार मानना ठीक बात नहीं है। हमारा निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा पूरे ऑल ओवर अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो, और हम फिर से गवर्नमेंट बनाएंगे ऐसी मेरी कामना है। जैसा कि भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार का स्लोगन को काफ़ी लोग दोहरा भी रहे थे और चारों तरफ लोग ने कयास भी लगाए थे, लेकिन अचानक में इस तरह का बदलता आंकड़ा क्या किस नज़र से देखती हैं आप? नहीं, अभी तो इसके जल्दीबाजी होगी इस विषय पे बोलना मेरे, क्योंकि अभी बहुत सारे रुझान अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी लगभग लगभग मुझे लगता है 3-4 राउंड 5 राउंड तक पहुंचा है। अभी तो 12-14-15 जिससे बता रही थी मैं, तो अभी इतने जल्दी हम फैसले पे नहीं सोचेंगे। और निश्चित तौर पर हमारा विकास जो रहा है 5 साल का हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, तो निश्चित तौर पर अच्छा उसका प्रतिफल देखने को हमको मिलेगा। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो कुशल एक कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत अच्छे मंत्री, गृह मंत्री, उनकी भी काफ़ी अभी बढ़त बीजेपी की बढ़ गई है और उनकी नहीं बताएं क्या? नहीं, अभी निश्चित है वो ज़्यादा अंतर हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री का एरिया जब खुलेगा तो निश्चित तौर पर पलट जाएगा वो। वैशाली नगर विधानसभा एक तरफा भाजपा ने वहां पर बढ़त हासिल की, क्या वहां पर कार्यकर्ताओं ने सही तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया या कहीं क्या कमी रह गई होगी जो एक तरफा बढ़त अभी आई? ऐसा मेरा मानना ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा हमारे मुकेश चंद्राकर जी किए हैं, उनका परिवार काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन अभी बढ़त काफ़ी ज़्यादा रिक्त सिंह जी बनाए हैं। ठीक है, आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। सबसे सेंसिटिव सीट भिलाई नगर, भिलाई नगर में भी देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, क्या कैसा बताएंगे? अभी आपने बताया कि लगातार जारी है काउंटिंग, 1400 वोट से हम आगे हैं अभी, 1300-1400 वोट से, और आगे भी मेरे हिसाब से ऐसी थोड़ा थोड़ा करके हम लास्ट में जीतेंगे अच्छे मतों से। तो ये थी सुभद्रा सिंह, कुशल नेतृत्व है करता रही हैं ये अपनी पार्टी में और लगातार हमारे साथ बने रही है और आप देखते रहिए मतगणना स्थल का लाइव प्रसारण। तो मतगणना स्थल पर से हमारा लाइव प्रसारण बाकी ग्रैंड एशियन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष और खुशी की वो दिख रही है। जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का उन्होंने यहाँ प्रयास किया था, कार्य किया था, क्योंकि जो गजेंद्र यादव है वो एक नया चेहरा थे। कई जगह प्रचार प्रसार के दौरान पर ये भी सामने आया था कि लोग उनको जानते नहीं, अचानक में इस तरह का परिवर्तन और जो रुझान आ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? गजेंद्र यादव जी पुराने हमारे आरएसएस के थे और लोगों के बीच वो रहे हैं, ये अलग बात है, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो उन्होंने रूमर फैलाया। और बोरा परिवार बहुत लंबे समय से, तो कहीं ना कहीं उनको हर बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वो अपने पिताजी के समय से राजनीति करते आ रहे हैं। और गजेंद्र यादव जी राजनीति में अभी आए हैं, पहले वो आरएसएस के और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और एक बहुत अच्छे नेक व्यवहार के धनी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ने गजेंद्र यादव जी को इसलिए माना क्योंकि पहले अरुण वोरा जी टोटल निष्क्रिय रहे हैं, जनताओं के बीच उन्होंने झूठ कहा, लबारी मारा और सरकार बनाया और ये विधानसभा टिकट जीता लिया था और जीता था, लेकिन इस बार जनता ने गजेंद्र यादव जी नए चेहरे आए, नए नए व्यक्तित्व को पसंद किए, उन्होंने नए व्यक्ति को मौका दिया, क्योंकि एक व्यक्ति का कार्यशैली उन्होंने देकर देख लिया था कि कोई कार्यशैली नहीं, सिर्फ अपने घर को भरना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, अब यहाँ तक कि वो अपने स्वयं के संगठन के कार्यकर्ताओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव करना, तो ये सारी चीजें थी जिस कारण गजेंद्र यादव जी को इस विधानसभा में जीतना। जैसे दुर्ग शहर के अलावा ग्रामीण की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उधर किस नजर से देखते हैं? देखिए, ग्रामीण शहर का ऐसा है कि ताम्रध्वज साहू जी कभी कोई विधानसभा में दोबारा रहते नहीं, वो उनका व्यक्तित्व हमेशा हर विधानसभा में खराब रहा है, वो जहाँ जाते हैं अपने परिवार, अपने घर परिवार, अपने आसपास के लोगों को केवल अपना परिवार को करते हैं, बाकी किसी के कार्य नहीं करते। सीधे तौर पर परिवारवाद का एक आरोप लगाना उन पर सही है? आरोप लगाना उनके ऊपर सही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश करते रहे, लेकिन वो तो संगठन ने उन्हें हटाया, लेकिन वो अपने तरफ से अपने परिवारवाद को कोशिश करते रहे कि रिसाली निगम में उन्होंने अपने पुत्र को आगे करने की कोशिश किया, वो तो संगठन ने उन्हें
उन्हें बायकॉट किया, लेकिन वो तो चाह रहे थे कि मैं आगे करूं, और वो समाज को लेकर गंदी राजनीति करते हैं, ये उचित नहीं है। वैशाली नगर की बात करें तो चर्चाओं में रहा राकेश सेन की सीट, काफी लोगों ने बहुत उसके खिलाफ आवाज उठा करके अपने प्रत्याशी भी खड़े किए, लेकिन फिर भी इस तरह की बढ़त आ रही है, क्या मानते हैं राकेश सेन के व्यक्तित्व को लेकर? राकेश सेन का व्यक्तित्व, वो पिछले 5 बार से 5 अलग अलग वार्ड से पार्षद रहे, इनसे ही उनका व्यक्तित्व झलक जाता है। अगर किसी का व्यक्तित्व खराब होगा तो वो दूसरी बार पार्षद दूसरे वार्ड से, आदमी का 5 बार पार्षद होना लाजमी है, लेकिन 5 बार अलग वार्ड से पार्षद होना, ये बहुत बड़ा बात। तो ये कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को दर्शाया, इसलिए लोगों ने उन्हें पसंद किया, और 5 वार्ड को देखते हुए, 5 वार्ड में उन्होंने जो काम किया उसके काम को देखते हुए उन्हें उस विधानसभा से लोगों ने लोकप्रिय माना। जिस तरह बढ़त आ रही, रुझान आ रहे हैं, क्या सरकार बनेगी, आप कयास लगा सकते हैं? सरकार तो बनना फिक्स है हमारा, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार झूठ और लबारी की सरकार है। टोटल इन्होंने युवाओं के साथ छल किया, महिलाओं के साथ छल किया, और ये टोटल ये भाजपा का कॉपी करना चाहते हैं। हमने महिला वंदन योजना लाया तो उसको इन्होंने लबारी के माध्यम से, बिना घोषणा पत्र के माध्यम से गृहलक्ष्मी योजना लाया, जो कि झूठ और लबारी है वो भी। तो लोगों को, जनता को समझ आ गया कि कांग्रेस सरकार अपने सरकार बनाने के लिए किसी भी निष्ठा तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और झूठ बोलकर अपनी सरकार, उन्होंने तो गंगा जल का कसम खाया था वो पूरा नहीं किया। तो जो व्यक्ति गंगा जल का कसम खाकर झूठा काम कर रहा है, उससे बुरा व्यक्ति इस दुनिया में कौन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार हमारे साथ बने रहिए, मतगणना स्थल से लाइव देखते रहिए। तो आपको मिली लगातार शुभ समाचार मिल रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया मान? द्वारिका बारले 2556 छत्तीसगढ़ की जनता और जो ग्रामीण के हमारे विधानसभा के सभी जनता और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, और 5 साल की कांग्रेस के जो कुशासन उसका ये जवाब है। और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, विकास के पे मोहर है। अभी तो रुझान और आने को है, कैसी प्रतिक्रिया मानते हैं लोगों में, किस तरह आ गया? मार्जिन बहुत बड़ा रहेगा, आंकड़ा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मार्जिन जो रहेगा, एक जो वर्तमान में जो तामरादास साहू जी जीते थे उनसे ज्यादा उठ से जीतेंगे हम। जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र को लेकर के भी काफी दावे किए गए, लगता है कि इसमें इसका परिणाम निकलेगा उसका? जनता के हित के लिए हमारे संकल्प पत्र जो हम जारी किए थे उसको भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पूरा करेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर मतगणना का कार्य लगातार जारी है, और वैशाली नगर से राकेश सेन लगभग 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं, और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है।